हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं चिकन हंडी या ग्रेवी वाला चिकन। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले टमेटोस को करेंगे थोड़ा सा ग्रिल। इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छा एक स्मोकी फ्लेवर हमारे ग्रेवी में आ जाएगा। अब जो हमारा अनियन है इसको हम थोड़ा सा हल्का फ्राई करेंगे और जो कोकोनट है उसको भी हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। यहाँ पे पैन में मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच तेल और इसमें जो भी हमारा फाइन पेस्ट हमने बनाया है उसको ट्रांसफ़र कर दें। अब इसे मीडियम आंच पे पकने दें लगभग 10 मिनट के लिए। हम लोग इसको पकने देंगे, आप एक लीड लगा दें और 10 मिनट तक वेट करें। तो 10 मिनट हो चुके हैं और जब हमारा मसाला तेल छोड़ने लगे इसका मतलब है कि ये पूरी तरह से भुन चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो स्पाइसेस हमने अभी प्रिपेयर किए हैं वो सारे अच्छे से मिक्स कर ले और ध्यान रहे मसाला पैन पे चिपके नहीं। अब हम ऐड करेंगे इसमें चिकन। यहाँ पे मैंने 1/2 kg चिकन लिया है। अब इसमें ऐड कीजिए नमक अपने स्वाद अनुसार। सो यहाँ पे मैं खड़ा गरम मसाला को थोड़ा पीस लूँगी मिक्सी में। थोड़ा दरदरा ही रखा है मैंने और इसको हम ऐड करेंगे हमारे ग्रेवी में और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आप इस ग्रेवी को कुकर में भी बना सकते हो। अगर आप कुकर में बना रहे हो तो मीडियम फ्लेम पे 3 विसल्स आपको लेने हैं। इतने में हमारा चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और अगर पैन में बना रहे हैं तो आपको लगभग 20 मिनट्स लगेंगे चिकन पूरी तरह सॉफ्ट होने में। तो ये हो चुका है अच्छे से मिक्स। इसमें अब ऐड करेंगे 1/2 कप पानी और इसको धीमी आंच पे हम लोग पकने के लिए छोड़ देंगे लगभग 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स में हमारा चिकन पूरा पक जाएगा और ये देखिए आफ्टर 20 मिनट्स चिकन काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, मतलब चिकन पक चुका है। इसमें ऐड करें कुछ फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। अब इसमें ऐड करें 1 चम्मच देसी घी एंड हमारी ग्रेवी हो गई है बिल्कुल रेडी। अब आप इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए। कई सारे रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।
If you like my content, please do give me a thumbs up and share it with your friends and family. तो मिलेंगे आपसे जल्दी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए keep cooking, bye bye guys.